हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है करण दा, देखिए स्मार्ट पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं पेटीएम को लेकर। जी हाँ, अगर आपका एक पेटीएम वॉलेट अकाउंट है, अगर आप एक पेटीएम यूजर है, तो आपका पेटीएम वॉलेट तो होता ही होता है, एंड उसमें कभी कभार गलती से पैसे भी पड़ जाते हैं, ठीक है। और अगर इस केस में हमारे पेटीएम वॉलेट की केवाईसी नहीं होती है, तो पैसा हम कैंसिल करके ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। हालांकि और भी काफी तरीके हैं पैसा ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन वो सारे तरीके भी फिलहाल में बंद कर दिए गए हैं। तो इस केस में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पेटीएम वॉलेट की केवाईसी नहीं हो रखी है, तो कैसे आपको पैसा जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वो भी कुछ ही मिनटों में, ठीक है। ऐसा नहीं टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और केवाईसी उसके लिए हो ना हो, तब भी आप जो है अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए आपको वीडियो में स्टार्ट करते हैं, बता दें कैसे आपको जो पैसा ट्रांसफर करना है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप करेंगे क्या, पहले तो मैं आपको अपना पेटीएम ओपन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैंने पेटीएम यहाँ पर ओपन कर लिया है। मैं बैलेंस एंड हिस्ट्री में जाऊंगा, तो यहाँ पर देख सकते हो अभी मेरे पेटीएम वॉलेट में जो है 10 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। पेटीएम बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पर, 10 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ भाई, ये ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे। पेटीएम वॉलेट पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर देख सकते हो ये ऊपर 10 लिख के आ रहा है, ऊपर 10 ट्रांसफर टू बैंक पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ देख सकते हो मेरी केवाईसी नहीं हो रखी है, यहाँ पर साफ साफ बोला कि आपकी केवाईसी जो है वो नहीं हो रखी है। तो इस केस में आपको क्या करना है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको बैंक आ जाना है, प्ले स्टोर पे जाना है, आपको यहाँ सर्च करना है पेटीएम बिजनेस, इसको आप डाउनलोड कर लें। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है। इसको आप यहाँ पर ओपन करेंगे, जैसे आप पेटीएम बिजनेस को ओपन करेंगे, यहाँ पर इसको मैंने क्या कर रखा है भाई, पहले से सेट कर रखा है, ठीक है। आपको पेटीएम बिजनेस चालू करना, उसमें एक अकाउंट बना लेना है। जैसे अकाउंट बनाओगे, कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस आ जाएगा पेटीएम बिजनेस का अकाउंट बनाने के बाद, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, माई क्यूआर का। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर डायरेक्ट सेव कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ पहले, कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। यहाँ लिखा है यूपीआई एंड वॉलेट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये वॉलेट के भी पैसे ले सकता है। यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, पेटीएम को ओपन करेंगे अपना। जैसे पेटीएम को ओपन करेंगे, यहाँ पर स्कैन एनी क्यूआर पर क्लिक करेंगे, गैलरी में जाएंगे, वही क्यूआर लेंगे जो अभी हमने स्कैन किया था। जैसे ही वो क्यूआर कोड आप ले लोगे, तो यहाँ पर देख सकते हो आपके पेटीएम वॉलेट वॉलेट का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है पैसे ट्रांसफर करने का, ठीक है। यहाँ पर पैसे भर दीजिए, जितने पैसे आप ट्रांसफर करना चाहते हो, मैं 10 रुपये करना चाहता हूँ, मैं 10 भर दूंगा। और प्रेशर टू पे के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, देख सकते हो यहाँ पर ये 10 रुपये सक्सेसफुल इसने ट्रांसफर कर दिए हैं हमारे अकाउंट में, ठीक है। अभी ये जो रुपए हैं आपके लगभग 12 घंटे में सेटल होते हैं, एक बात याद रखना, तुरंत सेटल नहीं होगा, 12 घंटा लग जाएगा इसको सेटल होने में, क्योंकि ये जो बिजनेस है कुछ इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये पैसा हमारा आ गया है, हिस्ट्री दिखा रहा है 10 रुपए की, देख लीजिए पेमेंट रिसिव्ड 10 रुपए। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप पेटीएम वॉलेट का पैसा ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट किसी केवाईसी के।